गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सीजियम क्लोराइड की संरचना की। इससे पहले हम सोडियम क्लोराइड की संरचना का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस होता है और उसका डी रेशियो उसी के अनुसार होता है। और दूसरी संरचना हमने अध्ययन किया पोटेशियम क्लोराइड KCl, जिसके लिए जो एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा डी रेशियो प्राप्त होता है वह सरल घनिष्ठ जालक के अनुरूप प्राप्त होता है। तीसरी संरचना हम देख रहे हैं सीजियम क्लोराइड, जिसकी संरचना एक्सरे डिफ्रेक्शन ये बताता है कि इसकी संरचना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यानी BCC स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी 3D स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिखा रखी है सीजियम क्लोराइड की। यहाँ पर क्या है कि एक अभिविकर्ण घन के बीच में उपस्थित है और 8 घन के कोनों पर उपस्थित है। ठीक है ना, यहाँ चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या है कि यह जो संरचना है वह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या काय केंद्रित घनिष्ठ संरचना क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाती है। जब हम एक्सरे डिफ्रेक्शन द्वारा डी रेशो ज्ञात करते हैं तो इसके लिए जो डी रेशो है यानी D100:D110:D111 यह अनुपात प्राप्त होता है 1:√3 और जब इसको सोल्व करते हैं सिंपल भाषा में लिखते हैं तो यह अनुपात प्राप्त होता है 1:1.414:0.577। और ये जो अनुपात है यह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यानी BCC स्ट्रक्चर के अनुरूप प्राप्त होता है। यह अनुपात BCC के लिए होता है। और यहाँ पर जो रेडियस रेशो अगर आप देखें तो यहाँ पर रेडियस रेशो कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर जो रेडियस रेशो है यह प्राप्त हो रहा है 0.933। इसका मतलब जो है 0.933 का मतलब यह है कि दोनों आयनों का आकार लगभग बराबर है, सीजियम प्लस और क्लोराइड माइनस। और यहाँ पर ये जो संरचना होगी यह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की प्रकार होगी, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, एक अभिकर्ण को घिरे हुए कणों की संख्या कितनी होगी, ये होगी 8 होगी। तो इस प्रकार से सीजियम क्लोराइड की संरचना को हम इस प्रकार से आसानी से समझा सकते हैं। और इस अब ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल है या जो क्वेश्चन है किस प्रकार का आते हैं वो हम पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको करना है, देखना है, समझना है, नहीं समझ में आता है पूछना है, जो भी आपको माध्यम मिलता है व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, या आपको पूछना है कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको पूछना है, आपको आराम से समझाते हैं, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोशिश की गई है प्रत्येक जो क्लास है उसके अंदर कि उसका अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहे, फिर भी उसको सोल्व करने के लिए हम तैयार हैं। और जो क्वेश्चन है, सवाल है, लगभग घूम फिर के कुछ महत्वपूर्ण जो इसके बिंदु है उन्हीं के ऊपर सवाल पूछा जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें 2017 में बताया गया कि समदेशिकता विषमदेशिकता के ऊपर सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कूलिंग कर्व जो है वो बताया गया है, पूछा गया है कि कूलिंग कर्व जो है क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन के अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पूछा गया है जो आपके अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम बता चुके हैं हम डिटेल में। इसी प्रकार से जो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज यह हमेशा पूछा जाता है, मिलर इंडिसेज, वाइस इंडिसेज यह पूछा जाता है। और इसी प्रकार से NaCl KCl की स्ट्रक्चर में जो फ़र्क है, अंतर है कि NaCl FCC है, KCl जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस है, यह पूछा जाता है। तो लगभग जैसा हम देख रहे हैं कि यही सवाल जो है रिपीट होते हैं। यहाँ पर जो है नियम पूछा गया है, यहाँ पर जो है नियम पूछा गया है और इसके अंदर जो है मिलर इंडिसेज जो आपके वाइस पैरामीटर है उनको मिलर इंडिसेज में चेंज करने का हमेशा पूछा जाता है। ये ब्रेक समीकरण पूछा गया है जो हम देख चुके हैं विस्तार से। तो ज़्यादातर जो है पूछे गए सवाल लगभग रिपीट होते हैं, कहने का तरीका अलग होता है। तो ये 2015 के क्वेश्चन, ये आप देखोगे ये आगे 2014 के क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं। अब जैसे अभी हमने सीजियम क्लोराइड की बात की है, स्ट्रक्चर बात की है, सीजियम क्लोराइड पूछ लिया गया है। ठीक है,
एफसीसी की इकाई सेल में कितने कण होंगे? एफसीसी के अंदर 8 से 14 होते हैं। क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन करिए? ब्रेग समीकरण और पाउडर मेथड, है ना। तीसरा जो है लवर विधि होती है। यहाँ पर 2013 के सवाल के जो क्वेश्चन है उसके अंदर वाइस के पैरामीटर दिए गए हैं, इनको मिलर इंडिसेस में चेंज करना है। तरीका क्या बताया है? जो गुणांक है, तरीका क्या बताया है? जो गुणांक है उन गुणांक को लिखिए, उनका पहले पद में गुणांक को लिखिए, दूसरे पद में उनका व्युत्क्रम करिए, तीसरे पद में उनको पूर्णांक में बदलिए, और चौथे पद में यदि कोई ऋणात्मक है तो उसके अंदर संख्या के ऊपर बार लिखिए। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो ये सवाल देखिए आप, पिछले साल आए हुए तो लगभग सेम रिपीट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होती है। तो चैप्टर समाप्त होता है। कोई समस्या है आप पूछिए, आपके पास जो है सारे डिटेल है, और मिलते हैं, मिलने पर और जो है बात करेंगे। ओके, थैंक यू।